गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। अच्छा, इसमें ये भी है बॉम्बी लॉम्बी, तो अगर मैं जानता हूं तो ये वही है ना जो पहले पढ़ चुके एक बार ऑफलाइन में। चलिए, तो नाउन की स्टार्टिंग करते हैं आज से। नाउन का डिस्क्रिप्शन, आई मीन डेफिनेशन, टाइप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन है क्या? बड़ा सिंपल सा है, नाउन का मतलब होता है नेम। ठीक है, अच्छा नाउन का सीधा सा मतलब है नेम। तो किसी भी चीज का जो नाम है ना, वही आपका नाउन नाउन कहलाता है। स्पीकर, कुछ काइंडली काइंडली नहीं अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज एवरीबडी, नहीं अनम्यूट करके, आई मीन म्यूट करके रखिए अपने आप। सो नाउन मीन्स नेम, नेम ऑफ एनीथिंग। ये काइंडली ना ये मत करिए बस, जो आप कर रहे हैं ना यहाँ वहां रेड रेड, क्लास करिए बढ़िया से। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। एनी नेम
दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग। एनी नेम दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग इज अ नाउन। ठीक है, तो कोई भी भाई नाम जो कि किसी भी इंसान को रेफर करता है, या फिर किसी भी, इसको मिटा दीजिए आप खुद ही, गे तो जो किसी इंसान को रेफर करे, किसी भी चीज को रेफर करे, बी इट अ प्लेस, एन एनिमल, एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को रेफर करे, दैट इज वी कॉल अ नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी लिख सकते हैं, बी इट एनीथिंग। जैसे कि मैंने लिखा बॉय, इफ आई से ईटानगर, टाइगर, पेन, लैपटॉप। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये लैपटॉप, पेन, टाइगर, ईटानगर, बॉय, ये सब नाउन नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। दीज आर नॉट नाउन्स। नेम ऑफ दीज थिंग्स इज अ नाउन। जैसे कि बॉय इज नॉट अ नाउन, बॉय तो बॉय है भाई। द नेम ऑफ बॉय, दैट नेम जिससे आप उसे एड्रेस करते हैं, वो नाउन है। ठीक है, लाइक ईटानगर, ईटानगर तो एक सिटी है, बट दैट नेम ऑफ दैट सिटी इज अ नाउन। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है ना, वो आपका नाउन होता है, ये ध्यान रखिएगा। लाइक टाइगर है, पेन है, लैपटॉप है, ये सब आपके नाउन्स हैं, तो ये नेम होना चाहिए। इट शुड बी अ नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और थिंग, किसी भी चीज का नाम। ठीक है, तो आफ्टर डेफिनेशन वील टॉक अबाउट कि हमारे सेंटेंस में पोजीशन क्या हो सकती है नाउन की, है ना सर, जी। सर तो डिफरेंशिएट कैसे करेगा सर? डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब किस चीज में? सर नाम नाउन होता है सर, फिर आप वही जो नाउन नहीं है, फिर उसका नाम जो नाउन है, तो जी सर जी उसमें डिफरेंस। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे लैपटॉप है, तो लैपटॉप तो एक मशीन है भाई, है ना, दैट इज नॉट अ नाउन। लेकिन वो जो नाम है ना जिससे आप उसे एड्रेस करते हैं, लैपटॉप, दैट इज एक्चुअली अ नाउन। जैसे लड़की है, गर्ल है, तो गर्ल है, बट दैट नेम गर्ल, GIRL, दैट इज अ नाउन एक्चुअली। तो किसी भी चीज का नाम होता है ना, वो नाउन होता है ना। इफ वी टॉक अबाउट रिवर, तो रिवर तो रिवर है, लेकिन दैट रिवर जो नेम है ना, वही नाउन है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप बॉय को नाउन मत समझ लेना, बॉय नाउन नहीं है, बॉय का जो नाम होता है ना, वो नाउन है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। यस सर, अब हम बात करते हैं पोजिशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको सही पोजीशन पता है, सो आप गलतियां नहीं करेंगे, है ना। यू वॉन्ट पुट योर नाउन एट रॉन्ग पोजीशन। तो जो नाउन है आपके सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो सकता है, एंड द लास्ट वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो आपका नाउन है, नाउन कैन बी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये चार पोजिशन है ना, जहां पे आप नाउन को प्लेस कर सकते हैं इन योर सेंटेंस। सो व्हाट डू वी मीन बाय सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, लेट्स सी। एक सेंटेंस लिख लेते हैं, इफ आई से
मोहन, पॉट, अ गिटार। ठीक है, इन द मार्केट, इन द मार्केट। ये एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने, मोहन बॉट अ गिटार इन द मार्केट। तो यहां पे जो बॉट है ना, ये मेरी वर्ब है। सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट। बाय की सेकंड फॉर्म है ये, बाय मीन्स खरीदना। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, वर्ब से जो पहले ना हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, बिफोर वर्ब वी ऑलवेज हैव सब्जेक्टिव केस, है ना। तो जो मोहन है ना, ये सब्जेक्ट है, और आई एम यूजिंग माई नाउन एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। भाई मोहन क्या है, नेम है, और नेम एक नाउन होता है, तो ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह मैं इसे यूज कर रहा हूं। अब दूसरा नाउन कौन सा है मेरे पास, गिटार। गिटार। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही है आपका जवाब। अब ये वर्ब के बाद आ रहा है, एंड लेट मी टेल यू, वर्ब के बाद में वी ऑलवेज हैव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो गिटार मैंने यूज किया है ना, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो पोजीशन जो मैंने आपके सामने मेंशन करी है ना चार, इनके अलावा कोई पोजीशन कभी बनेगी नहीं नाउन की। या तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बनेगा, या ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बनेगा, या फिर बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। अब जैसे कि यहां पर ये इन है, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है, दिस इज प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का एक रूल होता है, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट होता है। तो मार्केट मेरा नाउन है, दिस इज माय नाउन, है ना, ये कॉमन नाउन है। तो ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो अगर आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में जो मोहन है आपका, वो क्या है, वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। वर्ब से पहले भी ऑलवेज हैव सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या है, गिटार है। आप लोग बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या है, गिटार है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन क्या है, मार्केट। ठीक है, तो ये तीनों नाउन भी है, मोहन इज अ नाउन, नेम है, गिटार इज अ नाउन, एंड मार्केट इज एज वेल नाउन है। तो आपने देखा भाई, मैंने अपने नाउन को सेंटेंस में कहाँ प्लेस किया है, या तो वर्ब का सब्जेक्ट बनाया है, या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाया है, या फिर बनाया है मैंने उसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दीज आर दी स्टैंडर्ड पोजिशंस एंड दीज आर दी ओनली पोजिशंस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। इनके अलावा कुछ और कभी पॉसिबल नहीं होगा। नाउ विल टॉक अबाउट, चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखते हैं, राम किल्ड रावण, इन श्रीलंका। सो किल्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। वर्ब से पहले राम, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद रावण, ऑब्जेक्ट, एंड प्रेपोजिशन के बाद श्रीलंका इट्स नेम ऑफ अ कंट्री, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ठीक है, तो अगेन सेम पोजिशन है आपकी, आपके सेंटेंस के अंदर। चलिए अब एक लास्ट और बचा हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेट्स सी। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा अलग होता है, जैसे आप लिखते हैं, सीजन एथलीट। ठीक है,
सी इज एन एथलीट। अब यहां पे जिनको लग रहा है ना कि ये ऑब्जेक्ट है वो लोग गलत है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों है, कैसे है और किस पैरामीटर पे आप जज करते हैं, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए जो वर्ब आप यूज कर रहे हैं ना इनको हम लोग कहते हैं वी वर्ब, ये वी वर्ब कहलाती है। और वी वर्ब के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके बाद होता है हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे पता करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। तो अगर आप देखेंगे तो एथलीट कौन है, ये सी ही एथलीट है और एथलीट ही सी है ना, मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। अभी इस पेज को मैं पहले चेंज कर लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ बी वर्ब्स के बारे में, ठीक है। बस काइंडली इतना करिए कि कुछ भी पेज पे मत चलाइए, पेन वैन मत चलाइए, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आप ही को दिक्कत होगी, बाकी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, तो ये मिटा दीजिए, बेटर है ये जो भी है। जस्ट अ मिनट, पेज नजर आ रहा होगा ब्लैंक, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बी वर्ब होता क्या है, जिनके बाद में हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। बी का अगर बात करें हिंदी में इसका मतलब होता है होना, ठीक है, किसी भी चीज का एग्जिस्ट करना, उसका होना। जैसे आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, है ना, तो आप कहते हैं कि मैं ऑफिसर होना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। इस बी वर्ब की फॉर्म्स है जो आप देखते हैं ना, इज आर एम, इज आर एम पास्ट में वॉज वर्ब, इस बी में आई एन जी जोड़ देता हूं तो बन जाता है बींग, और इसकी थर्ड फॉर्म बीन, है ना। तो ये जो सारी की सारी आप देख रहे हैं ये आपकी बी वर्ब की फॉर्म्स है, ये प्रेजेंट में रहता है, ये पास्ट में, इसको फोर्थ फॉर्म मान लीजिए, और ये थर्ड फॉर्म। तो बी वर्ब के बाद में हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे आपने लिखा दे आर प्लेयर्स, तो प्लेयर्स जो है ये है तो आपका नाउन, है ना, लेकिन ये बी वर्ब के बाद है तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये प्लेयर्स ही तो दे है और दे ही तो प्लेयर्स है, ध्यान रखिएगा। अब ये बी वर्ब कब नहीं होती, ये बी वर्ब कब नहीं होती, जब आप इसे यूज करते हैं विद मेन वर्ब, उस केस में ये बन जाती है हेल्पिंग वर्ब। इफ आई से दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अब क्या है, अब ये बी वर्ब नहीं है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि अब आप इसे मेन वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो ये बी वर्ब केवल तब होगी जब आप इसे बिना मेन वर्ब के यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज अ वॉचमैन, अब ये आपकी बी वर्ब है यूजिंग विदाउट, ठीक है, और ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस वर्ब को हम लोग बी वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों नाम से जान सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपके सब्जेक्ट को और आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करता है। सो इसीलिए हम इसे लिंकिंग वर्ब
भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज लिंकिंग। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया अबाउट द पोजिशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, और ये आपका हो सकता है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जहां पे आपको दिक्कत आए, समझ में ना आए, मुझे पूछ लीजिएगा। एंड नाउ वील टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेन टाइप्स जो है ना वो केवल दो होते हैं, ठीक है। नाउन के मेन टाइप्स कितने होते हैं? सिर्फ दो होते हैं, बाकी सब जो है वो सब इन्हीं के अंदर आएगा। देयर आर ओनली टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन, केवल दो होते हैं मेन टाइप्स, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा कौन सा है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, और बाकी जो है ना जितने भी आपको लगता है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, दे ऑल आर कैटेगराइज्ड इनटू दीज टू कैटेगरीज। इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं ना, या जितने भी नाउन्स हैं, सम ऑफ देम आर काउंटेबल्स एंड सम ऑफ देम आर अनकाउंटेबल्स, ठीक है, बाकी और कोई टाइप नहीं हो सकता। तो काउंटेबल नाउन के अंदर क्या क्या हो सकता है? काउंटेबल नाउन के अंदर वी हैव कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ये आपके कॉमन, ये आपके काउंटेबल्स है। अनकाउंटेबल में क्या आता है? मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, ये होते हैं आपके काउंटेबल नाउन्स, एंड मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स। इसके अलावा एक कंपाउंड नाउन भी होता है, जो कि कॉमन, आई मीन काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। अब देखिए, अगर कोई नाउन आपका काउंटेबल है तो वहां पे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले, इफ सम नाउन इज काउंटेबल, सो वी कैन मेक देम प्लूरल्स, है ना। अगर कोई भी नाउन काउंटेबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आप उसे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड इफ यू कैन काउंट समथिंग इट मींस यू कैन मेक इट प्लूरल, आप उसे प्लूरल भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, वी कैन यूज ए और एन विद काउंटेबल नाउन्स। अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो आप उसके साथ में क्या कर सकते हैं? ए और एन का यूज भी कर सकते हैं। तो अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो दो बातें इसमें आप ध्यान रखना। फर्स्ट, यू कैन मेक देम प्लूरल्स, इट मींस इसका मतलब क्या है? यू कैन ऐड एस और ईएस, है ना। दूसरा, आप उसके साथ में ए और एन का यूज भी कर सकते हैं। अपोजिट टू दैट, अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है, इट मींस डू नॉट एड एस और ई एस, आप उसमें एस और ई एस एड नहीं कर सकते, एंड डू नॉट यूज ए और एन, ए और एन भी यूज नहीं कर सकते।
बिकॉज अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है आप उसे गिन ही नहीं सकते, एंड यू कैन नॉट काउंट इट, हाउ कैन यू से 2 4 5 6, आई मीन हाउ कैन यू ए और एन उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे आप, है ना। सो आई रिपीट अगेन, काउंटेबल नाउन वी कैन मेक इट प्लूरल, वी कैन यूज ए और एन। अनकाउंटेबल नाउन वी कैन नॉट एड एस और यस, आई मीन प्लूरल नहीं बना सकते, एंड एस आई मीन ए और एन का यूज भी आप नहीं कर सकते। चलिए अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन विल गो थ्रू के कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर क्या है, कलेक्टिव क्या है ना, मटेरियल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इनको हम लोग जानने की कोशिश करें, ठीक है। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, डाउट हो, प्लीज आप पूछ सकते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम। सर जी बताइए। सर ये पोजीशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस सर, ये वाला पोजीशन ना, सर जी सर। पोजीशन में देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 मिनट रुक जाइए। सर उसमें एक डाउट है, ये जो सर आप एग्जांपल दिया ना सर, इसमें हाँ आप गिटार गिटार एंड मार्केट को सर आप नाउन बोल रहे हैं सर, उसको थोड़ा कंफ्यूज है। 1 मिनट, उस पेज को पहले मैं आपके सामने वापस प्रेजेंट करता हूँ, फिर बताइएगा, ठीक है। हाँ, मोहन बॉट अ गिटार इन द मार्केट, अब बताइए। जी सर ये गिटार और मार्केट सर नाउन होगा ना। बिल्कुल होगा, गिटार मींस, गिटार रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जी सर तो मार्केट आल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्लेस वेयर वी बाय एंड सेल थिंग्स। ये सर टाइगर वाला जो आप ऊपर में एग्जांपल दिया था सर, उससे क्या डिफरेंट होगा इसमें? टाइगर, अच्छा जो आप पूछ रहे हैं ना उसका जवाब आपको आगे मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। ओके सर अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ना वो उसी का आंसर होगा। तो पहले मैं पेज को चेंज करूंगा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। अच्छा, किसी का मैसेज भी है। हाँ ठीक है, क्या है सर, 3K दम समझ आ रहा है अभी, अच्छा से सिखा दिया, चलिए काबू होगा ना। अब हम बात करते हैं जो आपने पूछा है मुझसे अभी, व्हाट इज कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव मटेरियल। तो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं कि भाई कॉमन नाउन को अगर आपको डिफाइन करना हो इन इन अ वन लाइन तो आप कैसे करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, एनी नाउन या एनी नेम दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। मैं एक बार लिख भी देता हूं आपके लिए, एनी नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब कोई भी एक नाउन जो कि पूरी क्लास को, किसी भी एक चीज की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं बॉय, तो बॉय इज अ वर्ड और बॉय इज अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ बॉयज, है ना। बॉय एक क्या वर्ड है, बॉय इज अ कॉमन वर्ड दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द बॉयज इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी लड़के को रेफर करने के लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज बॉय। सो इन दैट सेंस आप इसे कॉमन कहते हैं, कॉमन मीन्स इट इज अ नेम दैट कैन बी यूज्ड कॉमनली फॉर ऑल द बॉयज इन द वर्ल्ड, ठीक है। सेम आपने गिटार पूछा भाई, तो गिटार जो क्या है,
गिटार इज अ कॉमन नाउन दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द गिटार्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी गिटार को मैं गिटार कहूँ, है ना, यामा का है, गिब्सन का है, कैप्स का है, वो सब बाद में आता है। अब हम बात करते हैं टाइगर के बारे में। तो टाइगर चाहे आपको जंगल में दिख जाए, चाहे आपको जू में दिख जाए, चाहे नेशनल पार्क में दिख जाए, आप उसको टाइगर ही बोलोगे, है ना। टाइगर एक क्लास है, टाइगर इज अ स्पीसीज दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द टाइगर्स इन द वर्ल्ड। वो बात अलग है, आपने उसका टाइगर का नाम रख दिया टॉमी, तो वो प्रॉपर हो गया, है ना। बट टाइगर जो है वो एक कॉमन वर्ड है जो कि हर एक टाइगर के लिए यूज करा जाएगा, ठीक है। सेम आपका मार्केट है, दुनिया की कोई भी जगह जहां पर हम लोग चीजों को बेचते खरीदते हैं, उस जगह को हम लोग मार्केट बोलते हैं। मार्केट्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, संडे मार्केट, डेली मार्केट, गंगा मार्केट, है ना। बट मार्केट इज अ कॉमन वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ प्लेस वेयर वी बाय एंड सेल थिंग्स। तो ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं सारे के सारे कॉमन नाउन्स, ठीक है। और कॉमन नाउन्स का मैंने आपको बताया था, वी कैन मेक देम प्लूरल। तो यहाँ पे आप बॉयज, गिटार्स, टाइगर्स, मार्केट्स, एस और यस लगा सकते हैं, है ना। और इनके आगे आप ए का यूज भी कर सकते हैं, आ बॉय, आ गिटार, आ टाइगर, आ मार्केट, ठीक है। सो नाउ वील टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्हेन यू कॉल समवन समथिंग सम प्लेस बाय इट्स नेम। जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को उसके नाम से बुलाते हैं, इन दैट केस वी कॉल इट अ प्रॉपर नाउन। जैसे अगर आपने कहा बॉय, ठीक है, ये तो कॉमन नाउन है क्योंकि हर बॉय को बॉय ही बोलते हैं। अगर आप बोलते हैं केशव या केशवन, है ना, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि आप किसी को उसके नाम से रेफर कर रहे हैं। सो व्हेन यू कॉल समवन समथिंग सम प्लेस बाय इट्स नेम, ये आपका कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि कुछ और एग्जांपल ले लो आप, अगर मैं लिखूं यहाँ पे टाउन, तो टाउन जो है ये मेरा कॉमन नाउन है क्योंकि हर एक टाउन को टाउन ही कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं पासीघाट 0, तो ये है प्रॉपर नाउन्स क्योंकि मैं उस किसी नाम से बुला रहा हूं, ठीक है। आई एम कॉलिंग दीज टाउन्स बाय नेम्स, पासीघाट 0। इफ आई से सिटी, दुनिया की किसी भी सिटी को सिटी कहा जाता है। इफ आई से ईटानगर, आई एम कॉलिंग इट बाय नेम। स्टेट इज अ कॉमन नाउन, सो एपी, अरुणाचल प्रदेश, एमपी, ये सब आपके क्या है, ये प्रॉपर नाउन्स है, ठीक है। अगर आपने अपने गिटार का कुछ नाम रख दिया है ना, इसको आप और फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका यामा का गिटार है, तो यामा एक कंपनी है ना, तो उस यामा कंपनी के गिटार भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब उसमें भी फिर आपका एकाउस्टिक है, तो बहुत सारे गिटार एकाउस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक होते हैं, तो वो सारे रहेंगे आपके कॉमन ही जब तक आप उसे कोई नाम असाइन नहीं कर दो। टाइगर है, जैसे आपने देखा होगा जू में, नेशनल पार्क में, है ना, टाइगर्स के, लॉयंस के नाम रख देते हैं। तो अगर टाइगर का किसी ने नाम रख दिया है ना, अगर टाइगर का नाम किसी ने लिख दी, मतलब रख दिया मान लीजिए स्पीड, अगर ये उसका नाम है तब तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कॉमन नाउन जो है रिप्रेजेंट करते हैं पूरी की पूरी क्लास को, और प्रॉपर नाउन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को, जगह को, जब आप नाम से बुलाते। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यू कैन मेक दीज प्लूरल्स, है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो कॉमन नाउन को तो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कभी भी बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ में हमेशा पॉसिबल नहीं होता। सपोज यू टॉक अबाउट ईटानगर 0, पासीघाट। अब अगर मैं लिखता हूं पासीघाट, तो पासीघाट जो है ये प्रॉपर नाउन है। अब इसमें मैं कभी भी एस लगा नहीं सकता, पासीघाट्स पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज देर इज ओनली वन, ठीक है।
ईटानगर, एक ही तो ईटानगर है। आई कैन नॉट से ईटानगर, आई कैन नॉट से इंडिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट आपको अलाउ करते हैं, इफ इट मेक सेंस कि प्लूरल बनाइए तब तो बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए, है ना। मान लीजिए कोई इफ देर इज अ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि क्लास में जो तीन स्टूडेंट है और उन तीनों का नाम है, उन तीनों का नाम है राम, है ना, राम है या फिर कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस मैं ऐसे कह सकता हूं, देयर आर फोर मोहन्स इन माई क्लास, फोर मोहन्स इन माई क्लास। अब ये पॉसिबल है क्योंकि ये इट इज पॉसिबल कि भाई दो तीन चार लड़कों का नाम एक साथ मोहन हो सकता है, तो इस केस में तो मैं प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना सकता हूँ, देयर आर फोर मोहन्स इन माई क्लास। बट ईटानगर के केस में, इंडिया के केस में ये पॉसिबल नहीं, देयर इज ओनली वन कंट्री जिसका नाम इंडिया है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पॉसिबल है प्लूरल बनाना और कहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब हम बात करेंगे अबाउट कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या है? देखिए कलेक्टिव जो वर्ड आया है ना, ये आया है कलेक्शन से, है ना, कलेक्शन या फिर ग्रुप। तो एक चीज तो क्लियर है कि कलेक्टिव नाउन जो होगा ना, वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर वो कलेक्शन को ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो वो कलेक्टिव नाउन भी नहीं होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करेगा अपने सिंगुलर फॉर्म में होगा। मैं क्या लिख सकता हूं, इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्टिव नाउन, सॉरी, इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप। वाइल बीइंग इन इट्स सिंगुलर फॉर्म, तो ये आपका कलेक्ट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कैसे, अपने सिंगुलर फॉर्म में होके। सिंगुलर फॉर्म में होके भी अगर ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाता है तब आप इसे कलेक्टिव नाउन कहिएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि बॉयज कलेक्टिव नाउन है, जबकि बॉयज कलेक्टिव नाउन नहीं है, बॉयज केवल प्लूरल नाउन है ना। कलेक्टिव नाउन होने के लिए उसका सिंगुलर फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अगर सिंगुलर फॉर्म में होके भी वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पाए तो वो कलेक्टिव नाउन है, अदरवाइज वो कलेक्टिव नाउन नहीं। एक मैं पेज चेंज कर रहा हूं फिर बताता हूं। जैसे कि कलेक्टिव, ठीक है, अब बॉयज जो है ना वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, उनको लगता है, उनके लिए बता रहा हूं ये नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है और बॉयज का मतलब होता है मे बी दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एनीथिंग दैट इज मोर देन वन वो प्लूरल है। कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है? टीम कलेक्टिव नाउन हो सकता है, ठीक है, बिकॉज टीम रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और मुझे टीम को टीम्स करने की जरूरत नहीं, सिंगुलर फॉर्म में रह के भी ये ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करेगा।
एफ आई से आर्मी, आर्मी इज ऑल्सो क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है ना, आर्मी रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सर, जी बताइए। सर ये अगर ये आर्मी का जगह में आर्मी होने से तो क्या वो ये क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन होगा क्या नहीं, तब भी वो कलेक्टिव ही रहेगा। अगर आर्मी मैं में? कहता हूं, जी बिल्कुल, इफ आई से आर्मीज, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन आर्मीज, एंड ईच आर्मी रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, है ना। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों की आर्मी को क्या कहूंगा मैं, आर्मीज कहूंगा। और हर एक आर्मी क्या करेगी, हर एक आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कलेक्टिव नाउन आपका काउंटेबल है, सो इट कैन बी मेड प्लूरल, नो प्रॉब्लम। बंडल, बंडल इज अ कलेक्टिव नाउन, एक बंडल हो सकता है, बंडल ऑफ नोट्स, है ना, बंडल ऑफ नोट्स, बंडल ऑफ बुक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स। उसके बाद और कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, एक एक करके लिखते हैं। जैसे कि कलेक्टिव नाउन है, मोर देन वन, ये पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। स्टाफ कलेक्टिव नाउन है, क्रू कलेक्टिव नाउन है, फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। एक इंसान को फैमिली नहीं कह सकते, कम से कम दो लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, है ना, तब जाके फैमिली बनता है, और नॉर्मली दो नहीं होते हैं, ज्यादा ही होते हैं। ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस को कहते हैं ज्यूरी, कलेक्टिव नाउन है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, ध्यान रखिए, ठीक है। कमिटी, एक लोगों का ग्रुप होता है। काउंसिल, ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अगर है, मान लीजिए ट्रुप है, सो ट्रुप क्या है, ट्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, है ना, दैट इज ट्रुप। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, टीम, आर्मी, बंडल, क्राउड, स्टाफ, ये सब आपके कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, अगर मैं कहता हूं अ हर्ड ऑफ कैटल, क्या है आपका, ये कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ पे हर्ड जो है ना, ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैटल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ काउज, बफेलोज, गोट्स, है ना, इन सब के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैटल। और कैटल जो है ना, वो हमेशा कैटल रहता है, इसको कभी भी कैटल्स मत करिएगा, अगर कैटल्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज प्लूरल, अ हर्ड ऑफ कैटल। सर, जी बताइए। सर ये आगे में जैसे सर हम जैसे बोला था ना, अगर आर्मी को अगर आर्मी से हमें बना सकते हैं तो सर, लेकिन आपका ये सेंटेंस में ऊपर में सेंटेंस में लिखा है कि मतलब कलेक्टिव नाउन जो है सर ये तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो सिंगुलर फॉर्म में होने से तो हम लोग आर्मी को कैसे आर्मी से लिख सकते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सिंगुलर फॉर्म में रह के भी अगर कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर पाए, है ना, तब ये हाँ आपका कलेक्टिव नाउन है। लेकिन क्योंकि ये आपका काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ये भी है कि आप इसे प्लूरल हमेशा बना सकते हैं। टीम्स हो सकता है, आर्मीज हो सकता है, बंडल्स हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिलीज हो सकता है ना, गवर्नमेंट्स हो सकता है, कमिटीज हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं। हाँ बोलिए। सर तो वो एस लगने के बाद भी वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर मानेगा इसको? नहीं, तब तो प्लूरल बन जाएगा ना, अगर आप एस लगा दोगे तब तो प्लूरल बन गया वो, है कि नहीं। लेकिन तब भी वो क्या करेगा, तब भी वो ग्रुप को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक ऑफ सीप, है ना, भेड़ जो होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक ऑफ सीप। इसके अलावा अ बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकता है,
अब बंच ऑफ कीज हो सकता है, ठीक है, अ स्कूल ऑफ फिश। आपके एग्जाम्स में इसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है मैंने, इफ आई से सी केम अक्रॉस अ ऑफ वॉल्व्स, सी केम अक्रॉस अ ब्लैंक ऑफ वॉल्व्स ऑन द वे टू द माउंटेन्स। ये एक क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको ब्लैंक दे दिया और आपको दे दिया चार ऑप्शन, ठीक है, क्या ऑप्शन दे दिया आपको? एक दे दिया आपको ग्रुप, दूसरा दे दिया हर्ड, तीसरा दे दिया पैक और चौथा दे दिया गैंग। अब आपको इनमें से सही आंसर चुनना है कि सी केम अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, हर्ड ऑफ वॉल्व्स, पैक ऑफ वॉल्व्स, गैंग ऑफ वॉल्व्स, है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है। इसका सही जवाब क्या होगा? सिंपल है फेक होगा, जी, क्या होगा? फेक बिल्कुल सही है। तो द करेक्ट बोल्स। वर्ड इज पैक ऑफ वॉल्व्स, है ना। भेड़ियों के झुंड को हम लोग कहते हैं पैक, पैक ऑफ वॉल्व्स। उसी तरह से जैसे अगर मैंने लिखा, क्या लिख सकते हैं हम, चलिए एक सेंटेंस दिखाता हूं आपको, बताइएगा सही है कि गलत है। द टीम हैव ट्राइड इट्स न्यू कॉस्ट्यूम। इस सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है? द टीम हैज ट्राइड, द टीम हैव ट्राइड इट्स न्यू कॉस्ट्यूम। एक और लिख देता हूं, द टीम हैज वॉन द मैच। अब एक बार ध्यान से देखिए इन्हें दोनों सेंटेंसेस को और बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। अब मैं यहाँ पे चलिए आपको बता देता हूँ, है ना, टाइम हमारे पास अभी तो है नहीं। ये जो सेंटेंस है ना नीचे वाला, ये सही है ना, अच्छा ये गलत है। प्रॉब्लम क्या है, यहां पे मैंने लिखा था टीम हैव ट्राइड इट्स न्यू कॉस्ट्यूम। अब टीम कॉस्ट्यूम को ट्राई नहीं करेगी, टीम के इंडिविजुअल जो प्लेयर्स हैं वो कॉस्ट्यूम को ट्राई करेंगे। एम आई क्लियर? एक्सक्यूज मी। अब देखिए यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, द टीम, ये हैव जो लिखा है ना वो सही लिखा है, हैव ट्राइड, ये इट्स नहीं होगा, ये होगा देयर, क्योंकि आई एम रेफरिंग टू द इंडिविजुअल प्लेयर्स ऑफ दैट टीम। जो भी 11 प्लेयर्स हैं, वाई टॉक अबाउट क्रिकेट, तो मैं उनकी अलग अलग बात कर रहा हूं, है ना। तो देयर आना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही कॉस्ट्यूम को ट्राई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स भी होंगे, आई मीन अलग सबके लिए। इस इट शुड बी कॉस्ट्यूम्स।
ठीक है, तो द टीम हैव ट्राइड देयर न्यू कॉस्ट्यूम्स, ये आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, सर अमित एस लगा सके क्या? दी टीम्स हैव ट्राइड देयर न्यू कॉस्ट्यूम्स नहीं यहाँ टीम्स पे टीम्स, क्योंकि अलग अलग टीम्स ने नहीं करी ना, हमारी ओ इंडिया एक ही की टीम टीम्स। है, तो अच्छा हमारी इंडिया की टीम के लिए एक नया कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया। अब सबको अच्छा बोला गया भाई ये आप ट्राई कर लो, तो सबने अलग अलग खिलाड़ियों ने ट्राई कर लिया। तो जब आप टीम्स के जरिए उसके इंडिविजुअल प्लेयर्स को रेफर करते हैं तो आप उसको प्लूरल मान के चलिए, और जब आप टीम को एज अ सिंगल यूनिट रेफर करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो आप उसे मानिए सिंगुलर। सर या में तो दी डिफरेंट जैसे कि ना सर दी डिफरेंट टीम्स हैव ट्राई देयर न्यू कॉस्ट्यूम्स ऐसे हो सकता है दैट डिफरेंट टीम्स डिफरेंट बिल्कुल लगाने हो से। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप बोलोगे डिफरेंट टीम्स तब आप टीम्स कर सकते हो, है ना, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, तब तो बड़ा सिंपल है। दिक्कत यहां पे आती है, क्योंकि हमको लगता है कि भाई टीम है तो एक ही होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, हैज कर देते हैं, तब जाके दिक्कत आती है। तो ये वाला सेंटेंस था जो फर्स्ट वाला, उसको मैंने यहाँ करेक्ट किया है, और सेकेंड वाला सही है, क्योंकि सेकेंड वाले में मैं एक सिंगल यूनिट मान के काम कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इफ समबडी हैज सम प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। सर सर ये सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर दोनों में डिफरेंस ये क्या होता है आपका अगर देखो ये। हाँ, मैं वही बता रहा था, अगर ना जैसे मैंने कहा टीम हैज वॉन द मैच, अब भाई एक टीम को अगर मैच जीतना है, या टीम जब खेलती है ना, वो एक सिंगल यूनिट की तरह खेलती है, सबका एक ही गोल होता है टू विन। तो जब उसे आप एक सिंगल यूनिट मान के चलते हैं, इन दैट केस वो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब यूज करिए। लेकिन जब आप उसके इंडिविजुअल प्लेयर को रेफर करते हैं, रेफर टू इंडिविजुअल प्लेयर, तब तो आपको उसे मानना पड़ेगा प्लूरल। इसका मैं आपको कल और बताऊंगा, ठीक है, दो चार सर एग्जाम्पल्स। जी सर 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 ये हमको ना सर ये हमेशा यहाँ में कंफ्यूज रहते हैं ये क्या होता है आपका कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में मतलब दोनों में मतलब कैसे पता लगा ये जो कॉमन नाउन में भाई, अगर कलेक्टिव मैंने कहा बॉय, तो बॉय का मतलब थोड़ी ना ग्रुप है। बॉय डज नॉट रिप्रेजेंट अ ग्रुप। सर बॉय भी तो रिप्लेस पूरा बॉय में भी तो सर पूरा लड़का लुक आता है तब तो ऐसे होने से। नहीं, बॉय में सिर्फ एक ही लड़का आता है। मैंने कहा कि आई सॉ अ बॉय, तो इसका मतलब क्या है, अच्छा आई अच्छा सॉ अ बॉय, सिर्फ एक ही लड़का है। हाँ मैंने कहा आई सॉ अ टीम, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, है हाँ ना, ये फर्क है। अच्छा। चलिए, तो आज के लिए काफी है, ठीक है, आपकी क्लास यही ओवर होती है, और कल हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे, दैट इज 7। बाकी इसका रिकॉर्डेड वाला जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अबाउट मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और जो भी डाउट्स हो पूछिएगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। ओके सर थैंक यू सर ओके, थैंक थैंक यू सर यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर। ओके।